स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे आपसे और आपको दिखाएंगे एक ऐसा जुगाड़ जो हमारे पास के गांव में एक झंझरा गांव पड़ता है। उस झंझरे के गांव में एक सज्जन है जो डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है एलपीजी गैस से, यानी कि जो सिलेंडर होता है हम खाने बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो सिलेंडर हम खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी सिलेंडर से वो जब अभी इस समय डीजल का दाम लगभग 74 रुपए में हो गया और किसानों को बहुत दिक्कत होने लगी सिंचाई करने में अपने खेतों की, ऐसे में उन्होंने लगाया एक ऐसा जुगाड़ जो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी कहेंगे वाह भाई वाह, क्या बात है। जिस सिलेंडर से हम खाना बनाते हैं वही सिलेंडर हमारे पास के गांव में एक झंझरा गांव पड़ता है, वहां के एक सज्जन ने उस सिलेंडर को अपने दिमाग से सेट करके इंजन में उसे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसे इंजन से अटैचमेंट करके सेट कर दिया। हेलो दोस्तों, सेट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं हमारे रूबरू गांव झंझरा में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। हमारे सर्वेश कुमार वर्मा जी हमारे यहाँ के किसान अपने दिमाग के द्वारा होकर आज सिलेंडर से खाना बनाने के लिए सिलेंडर इंजन चला रहे हैं और खेत की सिंचाई कर रहे हैं। उस सिलेंडर से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, झंझरा में अभी आपको मैं उस सिलेंडर से सामने जाकर दिखाता हूँ, इंजन को देख सकते हैं आप कैसे सिलेंडर से पानी सिंचाई हो रही है, खेत में लगा रहे हैं। और डीजल का जो दाम है वो बहुत ही महंगा हो गया, 74 रुपए। आप लोग जानते ही हैं पेट्रोल कि डीजल लगभग में 74 रुपए में पहुंच गया है और गैस लगभग 45 रुपए किलो पड़ रही है। एक किलो गैस में 4 घंटे सिंचाई देख सकते हैं आप लोग कैसे सिंचाई हो रही है और आपको धीम करके दिखा रहा है। ये देखिए इंजन बंद हो गया, बढ़ाओ बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, ये आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कितना बढ़िया जुगाड़ है, अपने गैस सिलेंडर से खाना बन रहा था, उस गैस सिलेंडर से हम इंजन को चला रहे हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा फायदा है, बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी जब हम डीजल लेने जाते हैं तो डीजल 74 रुपए में मिलता है और अगर हम जो है इस एलपीजी गैस की तुलना डीजल से करें तो डीजल हमें बहुत ही ज्यादा महंगा मिल रहा है। बाकी जो खाना बनाने वाला सिलेंडर है इसमें जो गैस मिलती है वो हमें लगभग 45 रुपए किलो ही मिल जाती है, जिससे हमारा ये जो इंजन है आप देख सकते हैं और ये जुगाड़ 3 घंटे लगातार चल रहा है। सूरतगंज ब्लॉक के ग्राम झंझरा गांव में समझ लीजिए कि एक हमारे सर्वेश कुमार वर्मा जी के द्वारा किया गया है जो धान की सिंचाई में जबकि हम लाभकारी डीजल लाते हैं, डीजल से दे रही है 2 घंटे ही चल पाता है, इसमें हमें बहुत ही फायदा है गैस दोस्तों इंजन चलाने में। आप देख सकते हैं हमारे गांव झंझरा में आइडिया ही नहीं, हमारे सर्वेश कुमार वर्मा जी अपने दिमाग के द्वारा और आज सिलेंडर से सक्षम नहीं है, डीजल इंजन चला रहे हैं और खेत की सिंचाई कर रहे हैं, गलत है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, अभी आपको मैं सामने जाकर दिखाता हूँ, लेकिन देख सकते हैं आप कैसे सिलेंडर से सिंचाई हो रही है तो आदमी क्या करेगा, कहीं ना कहीं और काम करेगा, इसलिए आप लोग जानते ही हैं कि डीजल लगभग में 74 रुपए में पहुंच गया है और गैस लगभग 45 रुपए किलो पड़ रही है। एक किलो गैस में 4 घंटे सिंचाई देख सकते हैं आप लोग कैसे सिंचाई हो रही है और आपको धीम करके दिखा रहा है। ये देखिए इंजन बंद हो गया, बढ़ाओ बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, किस तरीके से जो है ये देखिए दोस्तों खाना बनाने वाले सिलेंडर से कितना बढ़िया जुगाड़ पीट रहे हैं। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हो सके तो ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए और उनसे हमें हमारे किसानों का ये जो दुख है ये देखा जाए और डीजल थोड़ा सा सस्ता हो पाए।
संतान होते हैं, इसलिए भाई ने ऐसा जुगाड़ लगाया, क्या बात है। और जुगाड़ बहुत बहुत धन्यवाद आपको सूरतगंज ब्लॉक के ग्राम धनरा गांव में हमारे सर्वेश कुमार वर्मा जी के द्वारा किया गया है, जो धान की सिंचाई में लाभकारी है। और आपके पशुओं से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और आप देखें कि किस तरह का ये जुगाड़ है जो भाई ने झंझरा गांव में एक सज्जन ने अपने दिमाग से बनाया है। सिलेंडर जिसे हम खाना बनाते हैं उसी से इन्होंने अपना जो है खेत सींचना शुरू कर दिया, ट्यूबवेल इंजन चलाना शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।